टाइम हो गया जी सुबह के 5:50। तो यहाँ पर बनने लग रहा है मिलेट। ये मैंने आटा रख लिया, थोड़ा आटा लगाऊंगी, डाल दें इसमें नमक और तिल। और इधर बन रही है सब्जी, सब्जी बन रही है आज भिंडी की, भिंडी आलू का प्याज है। तो ये मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, पहले सॉफ्ट कर लिए हैं, आलू बिगड़ते नहीं थे, और प्याज को भी, तो ये बाद में डाल लूँगी, ये मतलब निकाल लिए। अब लास्ट में भिंडी डालें, अब भिंडी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तब इनको डाल दूँगी, वही वही लग रहा है मुझे। थोड़ी सी प्याज डाल दिए, टमाटर लास्ट में डाल लेंगे। टमाटर चॉप कर रखे, हस्बैंड के लिए सलाद काट के रख दिया, तो सब ऐसे बिखरा पड़ा, तो करते हैं काम। शाम राम जी, कैसे आप लोग? मैंने बीटरूट लगाया था, बिदाना है, हम पर जिदया है, आप सभी को करवाने का आशीर्वाद एकदम बढ़िया। आज मैंने सोची सुबह सुबह का थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बच्चे जस्ट अभी जगा रहे हैं, हस्बैंड जगा रहे हैं, तो उठाते हैं बच्चों को और रेडी करके स्कूल भेजते हैं। बज गए जी 12:08। आज कोई आने वाली नड़द आने वाली है, और बहुत देर से इंतजार कर रही, बोल रही थी सुबह आ जाऊंगी सुबह आ जाऊंगी, अभी भी 12:15 आने का बोला था कि 12:15 तक पहुंच जाऊंगी, और 12 से ऊपर हो गए, 10 हो गए लगभग, अभी तक नहीं आई है। जिसका हमें था इंतजार, 2 दिन से मीठी गोली दे रही है। कल भी कुछ काम हो गया, परसों भी बोली कुछ काम हो गया, आज भी देखो इतना लेट हो गया, कब तक आती पता नहीं। हम भी नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, और बस काम खत्म कर दिया, दूध गर्म कर दिया, सुबह सब्जी बना ली थी आज भिंडी की, भिंडी आलू दा प्याज नाम अटपटा है, और आटा लगा रखा है, थोड़ा सा मिलेट बना रखा है। कपड़े एक बार के तो धोके सुखा दिए हैं, मौसम मस्त है आज का, धूप निकले अच्छी, और एक बार के और चला दिए, भी चला देते हैं, तो ये भी धो जाएंगे, फिर सुखा देंगे, धूप अच्छी सी तो सूख भी जाएंगे टाइम से। ये चला दीजिए मशीन, अब काम बचा है बस, ननद आ जाए तो वो कर लूँ, सूट वूट ब्लाउज का, कुछ ब्लाउज कट कराना था, ये कुछ काम बाकी है, और ब्रेकफास्ट मेरा थोड़ा सा बाकी है, फ्रूट का तो हो चुका है, दाल बाकी है, तो ये करते हैं, देखती हूँ छोक लेती हूँ आज तो थोड़ा सा उसमें चटपटा हो जाए, इसमें थोड़ा सा दाल का टेस्ट है वो भी अच्छा लगेगा, आज थोड़ा सा चटपटा करके। मटके में चला दिया जी पानी, और दाल बनाऊँगी, तो दाल भी भिगो दी, थोड़ी सी भीग जाए ना तो अच्छी बन जाएगी, साथ में ये भी भिगो दी मूँग दाल और चने, और अभी मैं अपनी दाल छोक रही हूँ। पेड़ों को और उखड़ना नहीं, पानी स्प्रे करना है उन पर थोड़ा सा, कल रात अभी ये कब निकाली थी, रात को निकाली थी, देखो इतनी अंकुरित हो गई, मस्त है। योशी को भी देखती हूँ मैं, थोड़ी सी ज़्यादा वो घर पे रहे तो ज़्यादा खा ली, क्योंकि एक फ्रूट का टिफिन हो जाता है, एक सब्जी का उसका हो जाता है, रोटी सब्जी का हो जाता है, और थोड़ी सी दाल दे देती हूँ, दाल तो बोलती मम्मा मैं आपके टाइम बस में खाती हूँ, उससे पहले तो भूख नहीं होती, एक बार फ्रूट खा लेती, एक बार रोटी सब्जी खा लेती हूँ, इतना ही रहता है, सुबह खा के भी जाती है फ्रूट्स वगैरह, जो फ्रूट्स खा के जाती है वो नहीं देती हूँ, और थोड़े मिक्स करके ही देती हूँ मैं बच्चों को, नहीं तो थोड़ी नखरे करती है, उसी तो सब लेके जाती है, बस ये थोड़ा सा गर्म करना है, ये होता है तब तक पेड़ों पे, थोड़ा इन पेड़ों को भी अच्छा लगे, अभी धूप होने लग गई ना, तो ये मैंने पानी बना रखा है, इसमें मैंने डाल रखा है, नाम भूल गई ना क्या है, क्या था याद नहीं आ रहा जी, तो ये अच्छे से हेल्दी हेल्दी बन जाए, इतना बहुत है बस। इसमें क्या डाल रखा है नाम बोला, अब बुलक्कड़ हो गए, क्या था उसने बोया है, क्या बोलते हैं इसको, बायो एंजाइम, बायो बायो तो याद आ रहा, पर ये एंजाइम याद नहीं आ रहा, बायो एंजाइम डाल रखा पेड़ों के लिए, अच्छा था, दाल मेरी हो गई, इतनी ही गर्म करनी थी, हो चुकी है बस, थोड़ी सी गर्म, बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्ची और नींबू, ज़्यादा गर्म में नींबू नहीं डालना चाहिए, जब हल्की सी रहेंगे ना क्या खाने जैसी है तभी नींबू डालूंगे, अभी थोड़ा रख देते हैं इसको, पानी पी लिया, पेट भरा है, भूख तो नहीं है, पर दाल है, हेल्दी है, और ऊपर से वैसे देखो तो बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया, तरबूज खाया है, एप्पल खाया है, एक छोटा एप्पल का, और छोटी छोटी 3-4 बनाना खाई, मतलब वैसे बहुत भी है, लेकिन एक उससे देखो तो बहुत ओवर भी नहीं हुआ है, क्योंकि रात को मैं खाना खाती नहीं हूँ, तो अभी दाल खाएंगे, और फिर बच्चे तो वही 3 बज जाएंगे, जो लंच करेंगे तब तक तो हजम हो जाएगा, अभी कितना 12:30 हो गए, ननद अब तक नहीं आई है, बैल बजी है जी, टाइम बताऊंगी कितना हुआ,
कौन आनी आई है, साइकिल लेकर आई है जिसमें। टाइम बताती हूँ जी कितने बजे आई है। ये देखो 1:15 हो रहा है, दे ले हमारी गाड़ी सवा 1:15। अब आई है वो, आ गई थी ना मेरी यार। ये टेलर मास्टर इधर अपने ब्लाउज की करने लग रहा है कटिंग, मुझे बुलाया है बट कर रहा है अपने आप कटिंग। देखो इस टेलर मास्टर को, ये निशान तो इन्हें लगवाया सी, टेलर मास्टर तो ये है निशान लगवाया, मैं तो बस काट। अब देखती हूँ कैसा ब्लाउज सिलती है, पास करूंगी। एक तो मैंने फेल कर दिया इनका क्योंकि गला अच्छा नहीं बनाया उस ब्लाउज का, वो मैंने देख लिया गला अच्छा नहीं उसका बिल्कुल भी, वो मैंने फेल कर दिया। हाँ वो गला छोटो नहीं, वो कर लिए पाँच छह पट्टी जोड़ के लगा दी नीचे पीछे सारो सिल के। यो पीस लो, यो आगलो। अब इसकी छटाई करो। रुक जा वो रात कदे मत कर दिए नू, इतना आनो मान्यो थोड़ी जाओ, कति ना मानू जी को आनो, इतनी लेट आई है यो आज को दिन ना लगे तू आई सा। अच्छा और तो बताइए कोई टेम थो आनो को इतनी लेट आई है, आज की तो दारे रहेगी। ये जी अस्तर के लगा दिए निशान, कहाँ है ब्लाउज, ये वाले ब्लाउज का अस्तर है, कपड़ों तो बहुत सिलो पड़ो सो से कैसो से मेरे सिमण में कहते रहा होगा बेरो ना, और साइड ही पोस है वो तो प्लेन तो चल गो तो उल्टो सीधो गो तो यो बिगड़ गो तो मैं तो गई। ये जिस पे रख के दिखा दिया टेलर मास्टर को, रब हो गया है बच्चों को लाने का टाइम, तो इसको कर देते हैं साइड में चाली में, तो चाय पानी तो कुछ ना पिया ही आज। ये जाए साइकिल सवार होके जाएगी जी, अब मेरे साथ पैदल ही चलेगा मेरे पास साइकिल ना आ जा मैं ना लूँ। ये है जी आज का खाना, रोटी है थोड़ी सी घी बोरा ली क्योंकि दाल है तो थोड़ा मीठा भी चाहिए। आज कोड़ो मिलट बना है, दो दो दिन एक मिलट बनता है, तो आज भी कोड़ो है कल भी कोड़ो रहेगा फिर उसके बाद और अगले मिलट का नंबर आएगा। कम से कम एक मिलट को दो दिन खाना चाहिए। सब्जी सुबह बनाई थी ये आलू भिंडी का प्याज है तो ये सुबह वाली है, दाल अभी बनाई है जी, और ये है खीरा और प्याज सलाद और चाय है। अभी करते हैं लंच, टाइम वही 3 बज चुके हैं, बज गए जी सही 4। किचन का काम अब खत्म हुआ है, 3 बजे खाना खाने लगे थे, खाना खाया, बर्तन धोए बहुत सारे हो जाते हैं, बर्तन भी क्लीन व्लीन किया सब खत्म, अब 4 बज गए हैं। बच्चे लग रहे हैं काम पे, योशी लैपटॉप पे पढ़ाई कर रही है, ये मेरा बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कल ही दिखा नहीं दिखाई जी ड्राइंग कर रही है। मैं मारते अभी कपड़ों की पलटी ताकि ये सूख जाए, पलटी मारूंगी तो शाम तक सूख जाएंगे, उतार लूंगी फिर शाम को। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी धूप निकल रही है, अच्छी लगे ये धूप हमको, तब इनको पलटती हूँ सबको। रात के बज गए जी 8, तो दाल रखी थी तो अभी मैंने बनाए हैं चावल, तो थोड़े चावल बनाए हैं, भिंडी की सब्जी भी रखी थी वो भी नहीं खाई थी, 1-2 रोटी है, निशु खा रही है, योशी तो नहीं आई है कराटे क्लास से ही नहीं आई है, देखती हूँ 8 बज गए टाइम लगेगा तो रील बनाऊंगी, नहीं तो बस बर्तन वर्तन धोने का ये काम भी काफ़ी हो जाएगा। तुम लोग को यहीं पर खत्म करती हूँ, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, काम अभी बहुत सारा बचा है तो कई देर लग जाएगी, तो कल फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप सभी को शुभरात्रि, राम राम जी। टाइम हो गया जी 9:45 और मैंने चेंज कर लिया था, ये वाली ड्रेस पहनी थी कल, मेरे को ये सूटकेस में निकल गई थी मिली थी, तो अभी बस हो गया इसका काम, रील वील बन चुकी है, अपलोड कर दिए सब कर दिया है, इसको निकालती हूँ और वही लिपा पोती हटाती हूँ, दूध नहीं लिया है, थोड़ा किचन का काम हम करते हैं। राम राम जी।